पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव अशरफ अली फातिमा ने लहरिया सराय स्थित खाजा सराय अपने निवास स्थल पर प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप झूठ नहीं बोलते, अगर ईमानदार हैं तो जितना जल्दी हो काम शुरू करें। नई रेल लाइन पर काम शुरू कराने, हसनपुरी सकरी, इन दोनों रेल लाइन पर काम शुरू करने और काम पूरा करने की मांग की। फातिमा ने दरभंगा के लिए नई ट्रेन के रूप में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की। दरभंगा एयरपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाइए, पार्किंग की जगह नहीं है, जितनी भी टेक्निकल फैसिलिटी है उनको उपलब्ध कराने की मांग की। पीएम मोदी का नाम लेते हुए फातिमा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी प्लेन में यात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ तो सूट बूट वाले को भी यात्रा करने पर सोचना पड़ रहा है क्योंकि हवाई यात्रा काफी महंगी है। देश के सभी एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा टिकट महंगा दरभंगा एयरपोर्ट में है। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी मांग करते हुए फातिमा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था किया जाए कि रात में भी फ्लाइट की लैंडिंग और आवागमन हो सके। दरभंगा एम्स का काम जितना जल्दी हो सके शुरू किया जाए, केवल पार्लियामेंट में बोलने से काम नहीं चलेगा। फातिमा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपसे मैं कह देना चाहता हूं कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर से काम नहीं शुरू होगा, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे और हम लोग ये उजागर करेंगे कि बिहार के साथ, दरभंगा के साथ और मिथिलांचल के साथ किस तरह से सौतेला रवैया सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 9 साल में दरभंगा के लिए क्या किया है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने डीएमसीएच को 4200 करोड़ रुपया दिया है, जिससे 2500 वॉट का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार होगा। 24 का लोकसभा चुनाव जो आएगा उसका भी एजेंडा तैयार होगा और पार्टी जिस किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। दरभंगा के शोभन में बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए जमीन दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये काफी गड्ढा है, पानी वाली जगह है। फातिमी ने इस पर कहा कि मुंबई का मिसाल देते हुए कि वहां तो समंदर है, अब काफी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां काफी पानी और ऐसी जगह पर बना है, यहां तो 6 से 7 फीट ही गड्ढा है, आसानी से एम्स बन सकता है। न जाने कितने सालों से उसकी मांग थी, 2004 और 9 के बीच में जब हम मंत्री भी हुए थे, यहां के एमपी भी थे, तो लालू जी ने न सिर्फ शिलान्यास किया उसका, बल्कि सकरी से बिरौल तक का उद्घाटन भी रेलवे लाइन का उन्होंने कर दिया। इसी बीच में हम लोगों ने लालू जी से 2 नई रेल लाइन ली, दरभंगा से कुशेश्वर स्थान। सर्वे हो गया, कुछ एरिया में जमीन भी खरीद दी गई, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन पिछले 14 साल से कोई भी काम नहीं हुआ और काम वहीं का वहीं ठप पड़ा, जिसकी वजह से दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का आना जाना आम लोगों को कितना तकलीफ दिया। उसके बाद एक नई रेल लाइन दरभंगा टू मुजफ्फरपुर जो बीचों बीच निकलती, मुजफ्फरपुर दूरी कम होती, पटना की दूरी कम होती और दिल्ली की दूरी भी कम हो जाती। उसका फाउंडेशन हम ही ने डाला था, रेलवे के लोग मौजूद थे, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसके अंदर सर्वे के साथ साथ उसमें कुछ पैसा भी आया, लेकिन वो काम वही का वही बंद रहा।